क्रम में खड़ी ये छह टुकड़ियां किले से दाई और प्रथम प्लाटून
इसका नेतृत्व कर रहे हैं नारा साथी नीतीश मल्होत्रा। वह दूसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी नीतीश जोगता। तृतीय प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी राहुल गुप्ता। चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी अभिषेक। पांचवी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी सुधा चौधरी। वह छठी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी गौरव वेंकटराम प्रसाद। राज्यवार विवरण इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश राज्य से 41 नवारक्षी, आंध्र प्रदेश से 14, असम से 48, बिहार से 55, महाराष्ट्र से, पंजाब से 1, हिमाचल प्रदेश से 6, मध्य प्रदेश से 57 व जम्मू कश्मीर से 1 नवारक्षी। इस प्रकार कुल 281 नवारक्षी दीक्षांत परेड में भाग लेते हैं, जिन्हें आज एसएसबी परिवार में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताते चलें। सबसे पहले परेड प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुधीर कुमार उद्गमन ने चलाने लगी। तत्पश्चात श्री मुन्ना सिंह कमान ने 39वीं वाहिनी का आगमन होगा। इसके उपरांत परेड द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। अंत में मुख्य अतिथि महोदय परेड को संबोधित करेंगे। अब से उसी समय में प्रशिक्षण अधिकारी श्री दिलीप कुमार उपमंडल 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का आगमन परेड मैदान में होने वाला है। श्री दिलीप कुमार उपमंडल मंच की ओर अग्रसर होते हुए प्रशिक्षण अधिकारी को सलामी शस्त्र से सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अधिकारी ने परेड द्वारा दिए गए सहयोग को सहज स्वीकार किया। प्रशिक्षण सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र सलोनी पाड़ी में पूर्ण की। इसके बाद थाना काटा नाम तारा का अनुभव ज्ञान प्राप्त किया।
आपने 2019 में उप निरीक्षक कमांडेंट के पद पर पदोन्नति प्राप्त की तथा आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए समय समय पर उचित अलंकरण एवं रिवाज से नवाजा गया। अभी आपके दमान में 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चांद परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। परेड निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर चटक कदमों के साथ अपने नियत स्थान पर जाते हुए अब दीक्षांत समारोह का राशन जिसमें समस्त नवारक्षी प्रशिक्षुओं को देश सेवा हेतु शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह निशान सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का
प्रतीक है, बल्कि ये निशान वैसा ही सम्मानीय है जैसा कि हम सब के लिए राष्ट्रीय ध्वज। लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ध्वज व निशान टोली की अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य जगमित अंकचुक व उप निरीक्षक सामान्य रविंदर सिंह। अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज व निशान टोली के सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर चटक कदमों के साथ अपने नियत स्थान पर जाते हुए राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह निशान सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। यह निशान बल के अधिकारी लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ध्वज व निशान टोली की अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह निशान सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। बल के लिए ये निशान वैसा ही सम्मानीय है जैसा कि हम सब के लिए राष्ट्रीय ध्वज। लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ध्वज व निशान टोली की अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य जगमित अंकचुक व उप निरीक्षक सामान्य रविंदर सिंह। अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक
तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज व निशान टोली के सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
सभी नवारक की शपथ की मुद्रा में संविधान पल ध्वज और राष्ट्रध्वज की पवित्रता को अंतरण के आधार पर शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब श्री सुजीत कुमार उप कमांडेंट प्रशिक्षण अधिकारी परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सेवा बल की अपने धर्म सच्चाई ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन जल भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वह जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसके समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े।